स्पेशल है एंड मेरा फर्स्ट मतलब मेरा फर्स्ट ड्यूएट है इनके साथ. एंड पहला पहला जो मैं गाना लेकर आई थी न तुम हमें जानो, वो भी हेमंत कुमार का था. और इस बार मैं जो लेकर आई हूँ वो भी हेमंत कुमार का है, याद किया दिल ने. बहुत ही उनका फेमस गाना है. बट अनफॉर्चुनेटली जो जो कॉलेज में है, जो हमारा जनरेशन है, आधे से आधे लोग जानते भी नहीं हैं यू नो कि ये गाना क्या है. तो मुझे जब मैं ये गाना सुनाती हूँ लोगों को, तो स्पेशली इफ देयर इन कॉलेज, दे थिंक इट्स अ न्यू सॉन्ग, दे थिंक इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. सो बट आई इट वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट कि मैं हेमंत कुमार का जो वो मैजिक है वो वापस फिर से लाऊं अपने इस जनरेशन के लिए. फैमिली के लिए ये गाना सस्पेंस था. पहला वाला गाना भी सरप्राइज था. मेरी मॉम जानती थी लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि मैंने क्या गाया है, कौन सा गाना गाया है. बट राइट नाउ शी इज़ टेक्स्टिंग मी दैट शी इज़ थ्रिल्ड विद द सॉन्ग. एंड इस बार जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था वो मैंने बिना रिहर्सल्स के, बिना कुछ प्रैक्टिस किए, मैंने ऐसे ही मैंने गा दिया था. बस कुछ प्रैक्टिस कुछ रिहर्सल्स करके मैंने लॉन्च कर दिया था. बट इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत ली. हिंदुस्तानी क्लासिकल ध्रुपद में मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया. मेरे गुरु हैं मनोज सराफ, इंदौर से मुंबई में आते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, तो उनसे मैं सीख रही हूँ. एंड आई होप मैं आगे भी सीखूँ, बिकॉज ये एक एक्चुअली एक साधना है यू नो. आपके वॉइस को मेंटेन रखना ये बहुत ही बड़ा, मैं बोलती हूँ एक्टिंग से भी बड़ा चैलेंज है. सिद्धार्थ के साथ बहुत ईजी बॉन्डिंग रही है. जैसे कि उन्होंने कहा, वी नो ईच अदर, ऑल्दो वी नॉट रियली लाइक नॉट रियली हंग आउट टुगेदर, बट वी नो ईच अदर. मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा है, लाइव परफॉर्मेंस देखा है. ही इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी पावरफुल वॉइस. बॉलीवुड के लिए भी गाना उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं. एंड इनका रॉक बैंड है, रॉक इनकी स्पेशलिटी है, या और एवर. So it's a different experience for me, you know, very different experience. I've never really sung with somebody like him.